Story name is Punishment or Law, and this story is begin from chapter 195 to 200. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. Anjali ne us din ko yaad karke kaha, tum sahi ho, ye sab us ek dhamake ke karan hua hai, sirf ek baar uska naam pata chale, jisne wo kiya hai, main use jinda nahi chhodungi. उस पर आदमी भी गुस्से में बोला, उसे जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, उसके कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मुंबई, उस धमाके बाद वरुण, राहुल, अविरन, इलियाना, चारू की जिंदगी बदल गई। उन सब के लिए समय तापसी की उस धमाके में मौत हो गई थी। वरुण अमेरिका जाने की बजाय राहुल के साथ मुंबई में ही रुक गया। वही अविरन अपने भाई ओ के बिना बताए बैंकॉक जाने के बाद अकेला हो गया। वही इलियाना खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। राहुल वरुण अविरन के साथ रहते थे, जैसे दोनों अकेले थे वैसे ही अविरन भी अकेला था। पिछले एक साल से उन तीनों के चेहरे पर एक बार भी स्माइल नहीं आई। तीनों रोज की तरह ऑफिस जाते और पूरी रात वही काम करते। सुबह होने से पहले विला आते और एक या दो घंटे सोते और फिर से ऑफिस निकल जाते। इसमें राहुल कहीं कहीं दिन सोता नहीं था, जैसे उसकी नींद ही गायब हो चुकी हो। बैंकॉक अव्योम व्योम का यहाँ पर खुद का विला था, जो उन्होंने अपने पैसों से बनवाया था। जितना भी उन दोनों ने हासिल किया सब उनकी अपनी मेहनत थी। दोनों में से किसी ने भी अविरन से एक पैसे की मदद नहीं ली। अविरन से दूर जाके दोनों इनमेच्योर से मेच्योर हो चुके थे। दोनों का बचपना उस धमाके में पीछे छूट गया था। उनको देख कहना मुश्किल है कि ये वही अव्योम व्योम है जो कुछ साल पहले अपनी नादानी में चौपड़ उड़ाने की गलती की थी, लेकिन अब के अव्योम व्योम एक अलग ही इंसान बन चुके हैं। दोनों विला आके सीधा एक कमरे की ओर चले गए। वो छोटी बच्ची व्योम की गोद में थी, जो अभी अभी सोके उठी थी और उसकी मिडल उंगली मुंह में दाल सक कर रही थी। व्योम उसे घूर के देख रहा था। दोनों ने जब उस रूम में कदम रखा तो उनकी आंखें, जो कुछ वक्त पहले कोल्ड थी, अब उसमें अजीब सी नमी आ गई। दोनों के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर अजीब सा दर्द आ गया। दोनों की नजरें कमरे को एक नजर देख उनकी नजर साइड में रखे सोफे पर बेदी एक लड़की पर गई, जो अपनों आंखें बंद किए हुए सोफे पर सर टिका के बेदी हुई थी। लड़की इस वक्त ब्लैक कुर्ती व्हाइट लेंगी में थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे जो सोफे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा जितना सुंदर था उतना ही उदास मुझा हुआ लग रहा था। लड़की बेजान सी सोफे पर बेदी हुई थी, जैसे सो रही हो। अव्योम व्योम लड़की को देख उसके करीब जाके उसे प्यार से देखने लगे। कुछ देर यूं ही खड़े होके उसे देखने लगे, जब तक उस छोटी बच्ची की किलकारी की आवाज उनके कानों पर पड़ी, तब जाके दोनों अपनी सोच से बाहर आए। व्योम ने बच्ची को एक नजर देख लड़की की गोद में रखा। लड़की ने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ उसने अपनी आंखें खोल व्योम व्योम को एक नजर देख फिर से आंखें बंद करी। जिसे देख व्योम व्योम की आंखें एक बार फिर शद हो गई और हाथों की मुठिया कस गई। दोनों ही लड़की को देख गहरी सांस ली। व्योम लड़की के पास बैठ एक नजर उसे देख अपनी आंखें बंद करी और बच्ची को लड़की के गोद में ठीक से पकड़ उसे फिट कराने लगा। ये सब करते वक्त व्योम ने भी अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और व्योम ने आंखें बंद कर ली। बच्ची फीट करने लगी, फिर भी लड़की ऐसे ही बेदी रही। ना ही उसने उस बच्ची को पका, ना ही कुछ कहा। थोड़ी देर फिट कराने के बाद व्योम बच्ची को वापिस अपनी गोद में लेके उसके होठों को साफ कर लड़की के कपड़े फेंक कर व्योम से बोला, ब्यूटीफुल को खाना खिला के दवाई दे के सुला दो, मैं तामसी के कपड़े चेंज कर देता हूँ। व्योम अपना सर हिला के लड़की के पास जाके उसे कंधों से पकड़ खड़ा कर ले जाके बिस्तर पर बिठा दिया। तब तक एक मेड आके खाने की ट्रे वहां रख के चली गई। व्योम तामसी को लेके कमरे से चला गया। अव्योम लड़की के पास बैठ अपने हाथ से उसे खिलाने लगा। लड़की आंखें झपकाते हुए बिना कुछ बोले उसके हाथों से खाती रही। अव्योम देसे उसे खिलाता, वो खा लेती, कहती कुछ नहीं। अव्योम उसे खिलाते हुए बोला, और कितने दिन तक ऐसे ही रहोगी? कब हमसे बात करो? हमारे साथ वीडियो गेम खेलोगी? कॉलेज जाओगी? प्लीज ब्यूटीफुल, ठीक हो जाओ, हम तुम्हें
ऐसे नहीं देख सकते, हमारे लिए ठीक हो जाओ, अपनी बेटी के लिए ठीक हो जाओ। डेढ़ साल हो गया, इन डेढ़ सालों में तुमने कुछ नहीं कहा, बेबी जन्म के वक्त भी तुम ऐसे ही थी और अब भी ऐसी हो। देसे कोयर रोबर्ट डोल, कुछ तो रिएक्ट करो ब्यूटीफुल, कुछ को इशारा दो, हम जानते हैं उस हादसे में तुम्हारे ब्रेन पर काफी गहरा घाव लगा है, हमने उसका इलाज तो करा दिया लेकिन तुम्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए। लेकिन लोग कहते हैं माँ बड़ी से बड़ी तकलीफ से भी बाहर आ जाती है जब उसकी बच्चे की आवाज उसके कान जाती है, तो तुम क्यों नहीं हो रही ब्यूटीफुल? अव्योम बोलते बोलते रो पड़ा, वो दोनों चाहे दूसरों के सामने कितना भी रुट क्यों ना हो लेकिन तापसी के सामने दोनों आज भी पहले वाले अव्योम व्योम थे, उनकी आंखों में तापसी की हालत देख हमेशा आंसू आ जाते लेकिन सामने बेदी तापसी पर उसका कोई असर नहीं होता और अभी भी वो एक तक अव्योम के चेहरे को देखती रही जो रो रहा था। अव्योम उसे बातें करते हुए पूरा डिनर कराने के बाद उसे दवाई देके सुला दिया, तापसी दवाई लेते ही सो गई। अव्योम उसके सर के पास बैठ उसे सहलाने लगा। दूसरी ओर व्योम तामसी को लेके अपने और अव्योम के ज्वाइन रूम में आ गया जहाँ एक बड़ा सा डबल किंग साइड बेड लगा हुआ था, उसके बीचों बीच एक छोटा सा बेड था जो तामसी का था। दूसरी ओर व्योम तामसी को लेके अपने और अव्योम के ज्वाइन रूम में आ गया जहाँ एक बड़ा सा डबल किंग साइड बेड लगा हुआ था, उसके बीचों बीच एक छोटा सा बेड था जो तामसी का था। व्योम तामसी को बेड पर लेता के उसे घूर के बोला, तुम छोटी डेविल यही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता हूँ। तामसी व्योम की बात सुन अपने हाथ पैर हिलाने लगी और पलट के अपने घुटनों के बल चल व्योम की गोद में चढ़ गई। व्योम उसे वापिस गोद में देख तिरछी नजरों से घूर के बोला, अच्छा तो अब तुम चाहती हो मैं तुम्हें गोद में लेके कपड़े लेने जाओ। जीस पर तापसी ताली बजाने लगी और अपना छोटा सा सर नामे हिलाने लगी, ये देख व्योम की आंखें और छोटी हो गई और वो उसे घुने लगा। तापसी व्योम के हाथ को पकड़ उस पर अपने बिना दांतों वाले मुंह से उस पर कुतरने लगी, अभी वो बहुत छोटी थी इसलिए अभी तक उसके दांत नहीं आए थे लेकिन दांत आने वाले थे, जिसे वो कुछ ना कुछ मुंह में डाल लेती और उसे काटने कोशिश करती, इसलिए अव्योम व्योम ने उसके लिए कमरे में सारी सॉफ्ट चीज रखवाई थी ताकि उसे किसी से भी चोट ना लगे। तब तक अव्योम भी रूम में आ गया, उसने आते ही व्योम को तापसी को लेके ऐसे ही बिस्तर पर बैठे देखा तो बोला, अब तक तुमने इसके कपड़े नहीं बदले और खुद के भी कपड़े चेंज नहीं किए व्योम। जीस पर व्योम सर टेरा करके उसे देखते हुए बोला, ये शैतान उठने दे तब बदलू ना, मैंने इसे नीचे रखा तो ये वापिस मेरी गोद में आ गई और अब जब रखने जाता हूँ तो रोने लगती है, ये कहते हुए उसने बुरा सा मुंह बना लिया। ये सुनकर व्योम मुस्कुरा के एक नजर तामसी को देख कब की ओर जाते हुए बोला, लगता है हमारी छोटी डेविल को आज भी बिना कपड़ों के सोना है। व्योम ये सुन आंखें छोटी तामसी को घूरने लगा, वही तापसी अपना बिना दांतों वाला मुंह दिखा के मुस्कुराने लगी, जिसे देख व्योम का मुंह और भी बन गया। अव्योम क्लोजेट से अपने व्योम के नाइट कपड़े लाके व्योम के कपड़े बेड पर रख तामसी के पास आके उसके सर को प्यार से चुमके बोला, हमारी छोटी शैतान। वो इतना बोल बाथरूम की ओर जाते हुए व्योम से बोला, इसके कपड़े निकाल दो और उसे बिस्तर पर लेता दो। अव्योम के जाने के बाद व्योम एक नजर तामसी को घूर के मन में बोला, बिल्कुल अपनी शैतान बाप पर गई है। ये सुनकर तामसी फिर से मुस्कुराने लगी, व्योम घुरते हुए उसकी फ्रॉक निकाल दी और उसे बेड के बीच बने छोटे से बेबी बेड पर लेता दी। तामसी भी इस बार बिना हिले लेती रही। थोड़ी देर बाद दोनों ने कपड़े बदल लिए, व्योम आके तामसी को गोद में लेके सुलाने की कोशिश करने लगा। वही व्योम ऑफिस का कुछ काम बाकी था जो सोफे पर बैठ कर रहा था। व्योम काम करते हुए अव्योम से बोला, प्रॉफिट के पैसे हमारे दूसरे बिजनेस में लगा देना और साइड के पैसे, मैंने एक प्लॉट देखा है उसे खरीद लेना। जीस पर अव्योम तामसी को अपने सिने से लगा के उसकी पीठ से हिलाने लगा और कहा, ठीक है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचते हुए उसने कहा, क्या हम कल ब्यूटीफुल को बाहर ले जाए? ये सुन व्योम के हाथ जो लैपटॉप पर चल रहे थे वो रुक गए। वो एक नजर तामसी को देखा जो व्योम के गले से
चेहरा निकाल उसे अपनी ग्रे आंखों से देख रही थी। उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, ठीक है। दूसरी ओर अमेरिका में अंजलि काफी परेशान थी। समय की हालत देख वो अंदर ही अंदर तुत रही थी। वो इस वक्त अपने कमरे में सोफे पर बेदी हुई थी। उसके एक हाथ में समय तापसी की फोटो थी और दूसरे में सिगरेट। कमरे में चारों ओर सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। अंजलि फोटो फ्रेम पर हाथ फिरा के सिगरेट की कस्ट लेके बोली, सॉरी बबली, मुझे माफ कर देना। उस वक्त मेरे पास दूसरा को रास्ता नहीं था। मेरे सामने दो लोग थे, एक और खून का रिश्ता मेरा सगा भाई था तो दूसरी ओर दिल का रिश्ता मेरी बचपन की दोस्त तुम थी। मैं उस वक्त तुमको बचाना तो चाहती थी लेकिन मेरे भाई की जान खतरे में थी, इसलिए मैंने पहले उनको बचाया। जब तक उनको वहां से निकाला तब तक तुम्हें कोई और बचा के ले जा चुका था। अंजलि उस काली रात को याद करने लगी जिसने उसे खुशी देके भी छीन ली। फ्लैशबैक धमाके बाद सब अपनी जगह जम चुके थे। राहुल, वरुण, इलियाना, श्लोक उस एक पल फ्रिज हो चुके थे। चारों एक पल के लिए सोकद में जा चुके थे। वही अंजलि और एक आदमी धमाके की आवाज सुन भागते हुए स्टेज की ओर गए जहां चारों ओर आग खून धुआं फैला हुआ था। खून देख अंजलि के कदम लटका गए लेकिन वो गिरती उसे पहले आदमी ने संभाल लिया। आदमी अंजलि को साइड से कवर देके बोला, तुम यहां से जाओ, यहां आग फैली हुई है। अंजलि आदमी के हाथ को हटा के बोली, मेरा भाई। जीस पर आदमी अंजलि की ओर देख के बोला, मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगा, तुम यहां से जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को जिंदा लेके आऊंगा। उसके कहने पर भी अंजलि नहीं मानी। वो एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा भाई, मेरा भाई। आदमी उसकी हालत समझ सकता था इसलिए उसने भी फिर कुछ नहीं कहा। उसने अपने आदमी को अंजलि को चारों ओर से कवर देने को कहा। अंजलि की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे देख लग रहा था वो काफी डरी हुई है। हर तरफ खून लासे देख अंजलि के दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। आदमी की नजरें भी स्टेज पर चारों ओर फैले खून पर थी। अंजलि आदमी का हाथ पकड़ अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, माँ, मेरे भाई का को कुछ होगा तो नहीं? आदमी उसके हाथ पर हाथ रख के बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, वो एक डेविल है और डेविल को एक धमाके से कुछ नहीं होता। दोनों काफी देर से धुन रहे थे लेकिन वहां सिफ़े लासे और लोगों के तुते हुए हाथ पैर दिख रहे थे। तभी अंजलि की नजर तुते हुए जलते हुए सोफे के पीछे गई जहां एक आदमी ने एक लड़की को कवर किया हुआ था। आदमी का चेहरा तो दिख नहीं रहा था लेकिन बेग से पता चल रहा था कि वो कौन है। अंजलि आदमी को देख जोर से चिल्लाए, भाई, और उस ओर भागी। आदमी भी उसके पीछे भागा। अंजलि आदमी के पास आके अपने घुटनों पर बैठ गई और उसे धीरे से पलटा। उसे पलट के जैसे ही उसका चेहरा देख एक पल के लिए वो डर गई और जोर से चीखी, भाई। अंजलि साथ आया हुआ आदमी भी उसका चेहरा देख हैरान हो गया क्योंकि आदमी का आधे से ज्यादा चेहरा जल चुका था। उसके गले हाथ भी जल चुके थे, उसमें मे से मांस दिख रहा था। अंजलि आदमी के सीने से लग जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए आदमी को आवाज देने लगी, भाई भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भाई। पीछे खड़ा आदमी अंजलि को रोता देख उसे संभालने के लिए अपने पेजों पर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, खुद को संभालो अंजलि। अंजलि रोते हुए बोली, मेरा भाई जीगा, मेरा भाई। मैं उनसे नाराज जरूर थी लेकिन कभी उनको मारने का नहीं सोचा। मैं यहाँ सिर्फ बदला लेने नहीं आई थी, मैं उनको बताने आई थी कि जिसे वो अपनी सगी बहन समझ रहे हैं वो नहीं है उनकी बहन, मैं हूँ। उस रात उनसे उनकी बटरफ्लाई ही नहीं बहन भी बिछड़ गई थी लेकिन आज जब मुझे मेरा भाई मिला था और आज ही मुझे छोड़ के चला गया, जीगा, मैं इनके बिना नहीं जी पाई, मेरा भाई। वो इतना बोल तेज तेज रोने लगी। जीगा उस आदमी का नाम था। जीगा अंजलि की बात समझ सकता था, वो समझ सकता था अंजलि पर इस वक्त क्या बीत रही है। उसने अंजलि को बदले दद नफरत की आग में जीते देखा है इसलिए उसने उसका हर कदम पर साथ दिया। आज जब उसे सच पता चला तो वो बहुत खुश हुई थी। वो अपने भाई को बताने आ रही थी कि उसकी सगी बहन वो है लेकिन वो जब तक यहाँ पहुँचती तब तक देर हो चुकी थी और ये हादसा हो चुका था। फ्लैशबैक एंड।
अंजलि अपनी यादों से बाहर आके समय के फोटो पर हाथ फिरा के बोली, उस एक पल मैंने आपको खो दिया था। मुझे लगा मैं फिर से अनाथ हो गई, लेकिन आपकी दिल की धड़कन ने मुझे फिर से उम्मीद की किरण दे दी और आप जिंदा निकले। उस एक पल में मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। मैंने जिगर ने मदद से आपको वहां से निकाला और आपको लेके अमेरिका लौट आई। यहां आके मैं आपको वापिस अपने विला ले जाती, लेकिन उस धमाके के पीछे कौन है वो जब तक पता नहीं चल जाता तब तक आपको वहां ले जाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए मैं आपको वहां नहीं ले जा सकी। ना ही मुझे किसी पर भी भरोसा था सिवाय जिगर के। यहां मैंने जिगर की मदद से पहले आपका इलाज शुरू करवाया, आपको आपका चेहरा वापिस दिया, आपके सारे घाव को ठीक किया, लेकिन आप ठीक होने के बाद भी अभी तक ठीक नहीं हुए। एक साल में आपके सारे घाव भर गए, फिर भी आपने आंखें नहीं खोली और कब तक अपनी बहन को रुलाओगे, भाई उठ भी जाओ। तभी जिगर अंदर आते हुए बोला, जहां इतना इंतजार किया है वहां कुछ और दिन इंतजार कर लो, डॉक्टर ने कहा है उनको जल्दी होश आ जाएगा, उनके सारे घाव भर चुके हैं, वो हमारी बात अब सुन सकते हैं। जिगर ने जैसे ही लास्ट बात कही, अंजलि तुरंत आंखें भरी कर उसे देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? जिगर खाने की ट्रे साइड टेबल पर रख के बोला, यही कि वो अब हमारी बात सुन सकते हैं। अंजलि ये सुनते ही खड़ी होके कमरे से बाहर भागी। जिगर उसे भागते देख ना समझी में उसके पीछे भागा। अंजलि अपने कमरे से निकल भागते हुए समय के रूम की ओर आई। समय का चेहरा पहले दे से हो चुका था, उस पर कहीं से भी जलने का कोई निशाना नहीं था। उसका चेहरा पहले की तरह हैंडसम और अट्रैक्टिव हो चुका, उसके हाथ पैर सभी से जलने के निशान मिट चुके थे। समय अभी भी कोमा में था, उसकी आंखें बंद थी। समय का ध्यान रखने के लिए जो नशा रखी हुई थी वो अपनी ललचाई नजरों से उसे देख रही था। अंजलि जब कमरे आई तो उसकी नजर अपने लेते हुए भाई पर गई, जो बेजान सा बिस्तर पर लेता हुआ था। फिर उसकी नजर उस नशे पर गई जो समय के बेहोश होने का फायदा उठा रही थी। उसके करीब बैठ उसके सिने पर अपना हाथ फिरा रही थी। ये सिर्फ वो तभी कर सकती थी जब समय कोमा में है, वरना होश में होते हुए समय को छूना तो दूर उसके पास बैठना भी उसके लिए नामुमकिन था। समय अपने करीब सिर्फ एक ही लड़की को आने देता था, वो है उसकी बटरफ्लाई। उसके अलावा किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे छू भी सके। अंजलि नशे को समय के इतना करीब देख गुस्से में अपने हाथों की मुठिया बना ली। उसकी आंखें उसे देख लाल हो गई थी और उसका ओरा भी डार्क हो गया था। अंजलि गुस्से में सीधा जाके नशे को पीछे से बालों से पकड़ उसे घसीट के साइड में धकेल दिया। नशे सीधा जाके फ्लो पर जा गिरी। उसे गिरते ही उसकी आह निकल गई। वो गुस्से में पलट के जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, अपने सामने अंजलि को देख उसकी आवाज ही नहीं निकली और उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। अंजलि नशे को समय के इतना करीब देख गुस्से में अपने हाथों की मुठिया बना ली। उसकी आंखें उसे देख लाल हो गई थी और उसका ओरा भी डार्क हो गया था। अंजलि गुस्से में सीधा जाके नशे को पीछे से बालों से पकड़ उसे घसीट के साइड में धकेल दिया। नशे सीधा जाके फ्लो पर जा गिरी। उसे गिरते ही उसकी आह निकल गई। वो गुस्से में पलट के जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, अपने सामने अंजलि को देख उसकी आवाज ही नहीं निकली और उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। अंजलि जलती आंखों से नशे को घूर के बोली, हाउ देयर टू टच माय ब्रदर, तुम्हारी हिम्मत किसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? किसने इतनी छूट दी कि तुम मरे भाई के पास भी जा सको? शायद तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। मैंने तुझे यहां सिर्फ अपने भाई का ध्यान रखने के लिए रखा था, ना कि उस पर अपनी घटिया नजर डालने। जिगर भी तब तक वहां आ गया। अंजलि को इस तरह गुस्से में नशे पर चिल्लाते देख एक नजर नीचे गिरी हुई नशे को देखा, फिर बिस्तर पर लेते समय को जिसकी ऊपर बॉडी दिख रही थी। जिसे देख जिगर को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि अभी यहाँ क्या हुआ होगा। जिगर नशे को घूरते हुए अंजलि को शांत करते हुए बोला, अंजलि रिलैक्स, इसे में इसकी कोई गलती नहीं है। इस बिचारी ने आज से पहले कभी इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा होगा, इसलिए बेहक गई। अंजलि जिगर की बात सुन गुस्से में लाल आंखों से पलट के उसे देखने लगी। जिगर उसकी लाल आंख देख एक पल के लिए वो
भी घबरे गया। उसने तुरंत अपनी बात बदल के बोला, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, डोंट वरी मैं अभी इसे यहाँ से बाहर फिकरवाता हूँ, तुम शांत हो जाओ और जाके पहले अपने भाई को देख लो, उसके चेहरे से पट्टी हट चुकी है। जीगा ने इतना कहकर अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया। आदमी जीगा का इशारा देख तुरंत आगे आके उस नशे को घसीट के ले गए। अंजलि जाके समय के पास बैठ गई, उसका हाथ हाथों में लेके अपने गाल से लगा के रो पड़ी, उसकी लाल आंखों से आंसू बह निकले। समय का चेहरा देर साल बाद देख उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने समय को पहली बार विला में देखा था, तब वो तापसी की दोस्त बनके आई थी, फिर भी समय को अपने सामने देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसी वक्त समय के गले से लग रोना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसकी बहन है, लेकिन तब वो नफरत गुस्से की आग में जल रही थी, इसलिए वो अपने भाई से मिल नहीं पाई। जब मिलने आ रही थी तो उसके भाई की जान जाते जाते बची थी, और अब जब सब ठीक है तो समय कोमा में है। वही जीगर अपनी जगह खड़े होके दोनों को देख रहा था। वो अंजलि का दर्द समझ सकता था, आखिर वो भी एक अनाथ है, उसे पता है अनाथों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, उसे पता है बिना अपनों के दुनिया किसे किसे नाम से बुलाती है, किस तरह एक टाइम के खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीगर ने अंजलि को भी यही सब करते देखा है, उसे अपनी पाए के लिए लोगों के घरों होटल में काम करते देखा है। वो जानता है अंजलि अपने भाई से कितना प्यार करती है। वह अंजलि समय के गाल पर हाथ रख रुआसी आवाज में बोली, भाई। उसने सिफे भाई बोला, फिर चुप हो गई और समय को देखती रही। समय का हैंडसम सा चेहरा उसके सामने था, लेकिन आंखें बंद थी, सांसें धड़कने चल रही थी, फिर भी वो बेजान सा लेता हुआ था। दूसरी ओर बैंकॉक में अव्योम व्योम सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी छोटी शैतान दोनों के नाक में दम करके रखा था। वो जीतना सोने की कोशिश करते उतना तामसी उनको परेशान करती। अव्योम तामसी को कहानी सुना रहा था ताकि वो सो जाए और उनको भी सोने दे। तामसी व्योम की पिच पर बैठ हुई अव्योम को अपनी ग्री आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। अव्योम ने अभी तक चार कहानी पढ़ ली थी और उसे नींद आ रही थी। वो व्योम को बुक पका के बोला, अब तू सुना, मुझे कल के लिए एक मीटिंग की तैयारी करनी है, इसलिए मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। अव्योम इतना बोल वहां से बच के निकलने की फिराद में था, लेकिन वो अभी निकल पाता उसे पहले हमारी तामसी रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी तेज थी कि अव्योम व्योम दोनों ने अपने कान पर हाथ रख दिया। तामसी बैठकर अपने छोटे हाथों से अपने बाल खींचते हुए रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुन व्योम उसे घूर के अव्योम को गुस्से में बोला, अब अगर तूने यहाँ से जाने के बारे में सोचा भी तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर अव्योम बुरा सा मुंह बना के उल्टे मुंह बेड पर लेट गया। तामसी सुबकते हुए घुटनों के बल चल के व्योम की पिट से उतर अव्योम की पिट पर चढ़ गई और अपनी भाषा में बोलने लगी, मम मम मम। व्योम उसकी बात तुरंत समझ के टाइम देखते हुए बोला, इस वक्त वो सो रही होगी शैतान। उस पर अव्योम मुंह उसकी ओर घुमा के एक हाथ से गोलू मोलू तामसी को पकड़ सीधा लेट उसे अपने पेट पर बिठा के व्योम से बोला, जाके किचन में से इसके लिए दूध की बोतल लेके आइए, बिना पिए सोएगी नहीं और हमें सोने नहीं देगी। ये सुनकर व्योम उसे घूर के बोला, हर बार में ही क्यों जाओ, तू भी जा सकता है। जीस पर व्योम तापसी के चबी गालों को सहलाते हुए बोला, जा तो सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुझे जाने देगी। व्योम उसकी बात सुन एक नजर तामसी को देखा, फिर व्योम को, फिर मन ही मन समय को कोसते हुए बोला, इसके बाप ने भी हमारे नाक में दम कर दिया था और ये भी हमारे सर पर चढ़ के बेदी हुई है, अगर इसमें हमारी ब्यूटीफुल का खून नहीं होता तो कब का उठा के बाहर फेंक देता। तामसी अव्योम के पेट पर अपने छोटे छोटे हाथों से टेप करने लगी और अपने हाथ की उंगलियां मुंह में डाल तेज तेज सक करने लगी, जैसे कह रही हो उसे भूख लगी है। अव्योम व्योम उसे देख अपनी आंखें घुमा के अपना सर हिला दिए, फिर व्योम सट पहन बाहर चला गया। अव्योम तामसी को गोद में लेके टहलने लगा। उधर अंजलि समय से बात किए जा रही थी, इस उम्मीद में कि उसका भाई उसकी बात सुने और कोमा से बाहर आ जाए।
अंजलि समय को अपने बारे में बता रही थी कैसे उसने बिना उसके इतने साले बिताए कैसे उसके साथ धोखा हुआ, कैसे उसके सगे बाप और चाचा ने उसे अनाथों की तरह जीने के लिए छोड़ दिया। तामसी अव्योम के पेट पर अपने छोटे छोटे हाथों से टेप करने लगी और अपने हाथ की उंगलियां मुंह में डाल तेज सक करने लगी, जैसे कह रही हो उसे भूख लगी है। अव्योम व्योम उसे देख अपनी आंखें घुमा के अपना सर हिला दिए, फिर व्योम सट पहन बाहर चला गया। अव्योम तामसी को गोद में लेके टहलने लगा। उधर अंजलि समय से बात किए जा रही थी इस उम्मीद में कि उसका भाई उसकी बात सुने और कोमा से बाहर आ जाए। अंजलि समय को अपने बारे में बता रही थी कैसे उसने बिना उसके इतने साले बिताए कैसे उसके साथ धोखा हुआ, कैसे उसके सगे बाप और चाचा ने उसे अनाथों की तरह जीने के लिए छोड़ दिया। अंजलि 2 घंटे से उसके हाथ को पक बेदी हुई दी, जीगा भी 2 घंटों से वही खड़ा था। अंजलि की बातें सुन उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन समय पर उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, वो अभी भी कोमा में है। अब ये बता पाना मुश्किल है कि अंजलि की बात उसके ब्रेन तक पहुंची भी है या नहीं, उसका ब्रेन काम कर रहा है या नहीं। जीगा अंजलि के पास आके उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, अब बस करो, उनको आराम करने दो और खुद भी थोड़ी देर आराम कर लो, हम कल बात करेंगे, तुम्हारे भाई जल्दी होश में आ जाएंगे। अंजलि भीगी आंखों से समय को देखते हुए, कब आएंगे और कितने दिन मुझे इनको ऐसे देखना होगा और कितने दिन भाई ऐसे बेजान होके लेते रहेंगे, अगर ये ऐसे ही रहे तो ये अपनी बटरफ्लाई को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, किसके पास है, किस हालत में है। मैं जानती हूँ भाई तापसी से कितना प्यार करते हैं। तभी वह तेज बीप बीप की आवाज आए, आवाज सुन अंजलि जीगा समय के पास रखी हुई मशीनों को देखने लगे, जिस पर बीप बीप की आवाज और भी तेजी से आ रही थी। अंजलि मशीन में समय की हार्ट बीट की लकीरें इतनी तेज चलते देख घबरा गई। जीगा भी ये देख जोर से डॉक्टर को आवाज देने लगा। अंजलि समय के पास बैठके घबराई हुई आवाज में बोली, भाई भाई आपको क्या हो रहा है, वो भी डॉक्टर को आवाज लगाने लगी। तभी वह 2 डॉक्टर भागते हुए आए, दोनों समय को मॉनिटर करने लगे। जीगा अंजलि का हाथ पकड़ साइड में खड़ा हो गया। अंजलि घबराई हुई आवाज में डॉक्टर से बोली, क्या हुआ है, मेरा भाई ठीक तो है, ये आवाज कैसी, इनके दिल की धक्कन इतने तेज क्यों चल रही है। अंजलि एक के बाद एक सवाल पूछने लगी, जिस पर डॉक्टर ने समय की हार्ट बीट चेक करते हुए कहा, आपने इनसे अभी अभी कुछ कहा या कोई ऐसी बात कही जिस पर इनका ब्रेक और दिल रिएक्ट किया। दूसरे डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा, कांग्रेस मैम, आपके भाई होश में आ रहे हैं। ये सुनकर अंजलि हैरानी खुशी से जीगा का हाथ और कसके पका के डॉक्टर की बात रिपीट करके बोली, क्या भाई होश में आ रहे हैं, उनके ब्रेन तक हमारी बात पहुंच रही है, इसका मतलब भाई मुझे सुन रहे है। जी हाँ मैम, आपकी बातें ये सुन रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता इन्होंने किस बात पर रिएक्ट किया, लेकिन आपकी कोया है कैसी बात ने इनके ब्रेन के साथ दिल पर ट्रिगर किया, जिसे अब ये खुद कोमा से बाहर आने पर मजबूर हो गए। आप इनको वही बात करो जिसे ये अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो जाए और ये कोमा से एक बार बाहर आ जाए, डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा। अंजलि समय के पास बैठ उसका हाथ पकड़ फिर से वही बातें रिपीट करने लगी जो उसने 2 घंटों में की थी, वही जिगर और डॉक्टर की नजर मॉनिटर पर थी, जिस पर लकीरें नॉर्मल चल रही थी, इसका मतलब अंजलि ने अभी तक वो बात नहीं की जिसे समय ने थोड़ी देर पहले रिएक्ट किया। अंजलि भी समय से बात करते हुए मॉनिटर स्क्रीन को देख रही थी। जीगा एक तक मॉनिटर स्क्रीन को देखते हुए कभी अंजलि को देखता कभी समय को, तभी उसे कुछ याद आया और वो समय को देख तेज आवाज में बोला, आपकी बटरफ्लाई, आपकी वाइफ किसी खतरे में है मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप नहीं उठे तो आप अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खो दोगे। जैसे ही जीगा ने ये कहा, मशीन में से एक बार फिर बीप बीप की आवाज आने लगी, जिसे देख अंजलि हैरानी से मॉनिटर को देखने लगी। पास खड़ा डॉक्टर जीगा को आगे बोलने का इशारा किया। जिगर समत के पास आके बोलना शुरू किया, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप पिछले 1.5 साल से कोमा में हैं और आपकी
वाइफ आपकी बटरफ्लाई कहाँ है हमें नहीं पता, उस धमाके में हमने आपको तो बचा लिया है लेकिन जब तापसी को बचाने गए तो कोया और आके उसे ले गया है, तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें तापसी मेम के बारे में कुछ नहीं पता। हमारी सारी कोशिश से जवाब दे रही है, अब अगर कोया उनको ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ आप हो, आपको उठना होगा हमारे लिए नहीं अपनी वाइफ अपनी बटरफ्लाई के लिए, प्लीज मिस्टर मल्होत्रा आंखें खोलिए, आपको आपकी तापसी की कसम। जीगर ने जैसे ही कसम दी समय ने एक झटके में आंखें खोल दी और उसके हाथों की मुठिया कसी हुई थी, जिस हाथ में ड्रिप लगा हुआ था उसमें से समय का ब्लड निकलने लगा, जिसे देख डॉक्टर ने तुरंत ड्रिप निकाल दी। इस वक्त समय की आंखें सुर्ख लाल थी, अंजलि अपने भाई को होश में देख तुरंत उसके सीने से लग गई। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।